इस कहानी की शुरुआत में हम एक वर्ड आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर तरह तरह के पंछी रह रहे होते हैं। यहाँ पर हम रेड नाम के एक वर्ड को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी में होता है क्योंकि वो एक डिलीवरी वर्ड होता है जो केक को डिलीवरी करने जा रहा होता है। वो बड़ी मुश्किलों से डिलीवरी वाले घर पहुँच जाता है जहाँ पर हम घर के मालिक ग्रीनिश को देखते हैं। वो रेड से कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए हो। तभी रेड केक को दिखाता है जिसमें से एक गिलहरी निकलती है। उसने केक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। ये देखकर ग्रीनिश रेड पर बहुत गुस्सा होता है और वो रेड से कहता है कि मुझे ये केक नहीं चाहिए और ना ही मैं इस केक के पैसे दूंगा। वो रेड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इस केक को अपने पेट में घुसा लो। ये सब सुनकर के रेड को गुस्सा आने लगता है जिससे कि रेड की आईब्रो बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में केक को ग्रीनिश के मुंह पर ही मार देता है और वहां से जाने लगता है। तभी रेड गलती से फिसल जाता है और वो ग्रीनिश के अंडों पर जाकर के गिर जाता है जिससे कि एक अंडा टूट जाता है। ये देखकर के ग्रीनिश बहुत गुस्सा होता है। उस अंडे से एक बेबी निकलता है जो कि रेड को ही अपना पापा समझ रहा होता है। अब ग्रीनिश रेड पर केस कर देता है और वो उसे कोर्ट में लेकर के जाता है। वो जज से कहता है कि रेड ने मेरा अंडा तोड़ दिया और उसकी वजह से मेरा बच्चा उसे ही अपना पापा समझ रहा है। रेड ने हमारी खुशियों का गला घोटा है। अब वहाँ पर मौजूद सभी पंछी रेड का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसकी आईब्रो मूछ की तरह दिखती है। सब उसे आँख पर मूछ कह करके चढ़ाने लगते हैं जिससे कि रेड को गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्लाने लगता है। ये देख करके जज रेड से कहता है कि ये आइलैंड महान ईगल बाबा ने बनाया है जिससे कि सब बर्ड यहाँ पर शांति से रह सके, लेकिन तुम्हारे गुस्से की वजह से सब अशांति होती है। इसलिए हमने तुम्हारा घर गांव से बाहर बीच के किनारे पर बनाया, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये सुनकर के रेड भड़क जाता है और वो जज साहब का ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम नांटे हो, और वो जज साहब की असलियत सबके सामने ले आता है। इससे जज बहुत गुस्सा होता है और वो रेड को आयरन की सबसे सख्त सजा सुनाता है जो कि होती है गुस्सा कंट्रोल क्लासेस। इसके बाद में रेड गुस्सा कंट्रोल क्लासेस की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक स्माइली स्टैचू होता है। रेड गुस्से में उस स्टैचू को तोड़ फोड़ करके वहीं पर लगा देता है। इतना गुस्सा करने की वजह से ही रेड को सब एंग्री बर्ड बुलाते हैं। अब रेड क्लास में जाता है। वहाँ पर हम मटिंडा को देखते हैं जो कि क्लास टीचर होती है। वहाँ पर तीन और बर्ड होते हैं और उन्हें भी अदालत से सजा मिली होती है। उनमें से एक का नाम चग होता है जो कि बहुत तेज दौड़ता है और इसी वजह से उसका चालान कटा होता है, और दूसरा बॉम्ब होता है जो कि गुस्से में कहीं पर भी फट जाता है, और तीसरा टेरेंस होता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके मुंह पर हमेशा ही गुस्सा दिखाई देता है। इसके बाद में मटिंडा सबको गुस्सा कंट्रोल करने वाली एक्सरसाइज कराने लगती है, लेकिन बॉम्ब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होता जिससे कि वो गुस्से में आकर फट जाता है और क्लास वहीं पर खत्म हो जाती है। सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। चग और बॉम्ब रेड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रेड उनके साथ में नहीं जाता है। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रेड बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसका अपना कोई भी परिवार नहीं होता जो उसे प्यार करेगी, और ना ही उसका कोई दोस्त होता है। इसके बाद में रेड अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब रेड सबके साथ में क्लास में होता है तभी बाहर सभी वर्ड्स बीच की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी बीच की तरफ आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक बड़ा जहाज आइलैंड की तरफ आ रहा होता है और वो जहाज किनारे पर आते ही रेड के घर से टकरा जाता है जिससे कि रेड का घर टूट जाता है। ये देख करके रेड को गुस्सा आने लगता है। तभी उस शिप में से दो हरे भरे पिगी निकलते हैं। उनमें से एक का नाम कैप्टन लियोनार्ड होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट रॉस होता है। वो आते ही सभी वर्ड से कहते हैं कि हम पिगी आइलैंड से आए हैं और हम तुम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं। तभी रेड कहता है कि तुम ने मेरे घर को तोड़ दिया, अब ना जाने इस आइलैंड पर क्या करोगे। तभी जज साहब रेड पर गुस्सा होता है और वो रेड की क्लास को और बढ़ा देता है। अब जज साहब पिगी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को मान लेता है। इस खुशी में वर्ड आइलैंड पर रात में जश्न मनाया जाता है। तभी लियोनार्ड सबके सामने एक गिफ्ट पेश करता है। वो सबको एक बड़ी सी गुलेल दिखाता है। वो सबसे कहता है कि अगर आपको सामान इधर उधर करने में हो रही है प्रॉब्लम तो गुलेल करेगी इस प्रॉब्लम को दूर। ये सब रेड को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी पिगी रेड को स्टेज पर बुलाता है जिससे कि वो गुलेल को चला करके खाना चाहता है। वो रेड को गुलेल में रख करके पार्टी से दूर फेंक देता है जहाँ पर पिगी का सिप होता है। तभी रेड के पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। वो तीनों पिगी सिप की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। सिप में बहुत सारा सामान होता है, वहाँ पर बहुत सारे हथियार भी होते हैं। तभी इन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे पिगी होते हैं। रेड ये देख करके हैरान रह जाता है। वो सब पिगी के साथ में पार्टी में आ जाता है।
सब इतने सारे पिगी को देख करके हैरान रह जाते हैं। तब रेड लियोनार्ड से कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुम तो कह रहे थे कि हम सिर्फ दो हैं लेकिन यहाँ तो 200 हैं। इस पर लियोनार्ड रोते हुए कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला और ये मासूम पिगी मेरे कजन्स हैं। मैं ये देखना चाहता था कहीं मेरे इन कजन्स को तुम बर्ड से कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। लियोनार्ड की बातों से सभी बर्ड इमोशनल हो जाते हैं। वो पिगी को आइलैंड पर रहने की इजाजत दे देते हैं। अब सब मिलकर के डांस करने लगते हैं लेकिन रेड वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह मटिंडा रेड, चक, बॉम और टेरेंस को पेंटिंग कराना सिखा रही होती है। तभी वहाँ पर लियोनार्ड आ जाता है जिसके बाद में रेड उसकी पिक्चर ड्रॉ करके दिखाने लगता है कि मैं तुम्हें आइलैंड से भगाकर ही दम लूंगा। तभी बर्ड आइलैंड पर पिगीज का एक और सिप आ जाता है लेकिन किसी बर्ड को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। अब रेड को लगने लगता है कहीं पिगी बर्ड आइलैंड पर कब्जा ना कर ले। तभी रेड को ईगल बाबा का ख्याल आता है क्योंकि वो ही है जो बर्ड की मदद कर सकते हैं। लेकिन ईगल बाबा आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर होते हैं इसलिए रेड, चक और बॉम्ब के साथ में पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वो तीनों बड़ी मुश्किलों से ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक सुंदर सा झरना दिखाई देता है और वहां पर एक बड़ा सा घोंसला होता है लेकिन वो घोंसला बिल्कुल खाली होता है। चक और बॉम्ब पानी में नहाने लगते हैं और खूब पानी पीते हैं। तभी उन्हें ईगल बाबा दिखाई देते हैं जो कि अपनी गुफा से बाहर आए होते हैं। वो आते ही पानी में सूसू करने लगते हैं। ये देख करके चक और बॉम्ब अजीब सी शक्ल बनाने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने अभी अभी उसी पानी को पिया होता है। अब ईगल बाबा तीनों को देख लेते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। रेड, चक और बॉम्ब से कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो जो इतनी दूर तक आ गए। ईगल बाबा उन्हें अपनी गुफा में लेकर के जाता है। रेड ईगल बाबा को पिगी के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन ईगल बाबा अपने ही धुन में मस्त होते हैं। वो अपनी ट्रॉफीज को दिखा करके स्वर्फ करने लगते हैं और डांस करते हुए मस्ती करने लगते हैं। ये देख करके रेड खुद से कहता है कि बाबा शायद सटे आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पिगी धीरे धीरे आइलैंड पर फैल चुके होते हैं। अब ईगल बाबा अपनी दूरबीन से एक बर्ड को ताक रहे होते हैं। तभी रेड आकर के दूरबीन से देखने लगता है। वो देखता है कि सारे पिगी बर्ड के अंडे चुरा रहे होते हैं और हर जगह बॉम्ब को लगा रहे होते हैं। ये देख करके रेड डर जाता है और वो ईगल बाबा से मदद मांगता है लेकिन ईगल बाबा कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं उड़ नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर रेड बहुत ही उदास हो जाता है। इसके बाद में रेड ईगल बाबा से कहता है कि मैं आपको अपना हीरो समझता था, मुझे लगता था कि आप हम सब बर्ड के रख सको लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में रेड, चक और बॉम्ब के साथ में वापस आ जाता है। वो देखते हैं कि पिगी अंडे ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी बर्ड्स पार्टी में बिजी होते हैं। तभी चक पार्टी में जाकर के सबको पिगीज के बारे में बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रेड और बॉम्ब पिगीज को अंडे ले जाने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नाकाम रह जाते हैं। अब लियोनार्ड जाने से पहले आइलैंड पर ब्लास्ट कर देता है। अब सब बर्ड जब आइलैंड की हालत देखते हैं तो वो डर जाते हैं। वो सब अपने अंडों के लिए रोने लगते हैं। तभी जस साहब रेड से माफी मांगता है। वो रेड से कहता है कि तुम तो हमें पहले से ही पिगी के बारे में बता रहे थे लेकिन हमने ही तुम्हारा विश्वास नहीं किया। अब वो सब रेड को अपना लीडर समझने लगते हैं। अब रेड सबसे कहता है कि हम अंडों को वापस लेकर के आएंगे। वो सबसे कहता है कि अब तुम सबको भी मेरी तरह एंग्री बर्ड बनना होगा क्योंकि हम डायनासोर के वंशज हैं। ये सुनकर के सब में जोश आ जाता है और सब एंग्री बर्ड बन जाते हैं। अब सभी तैरने वाली चीजों को इकट्ठा करके एक बोट बना लेते हैं और बोट पर पिगीज की गुलेल भी लगा लेते हैं। इसके बाद में वो सब पिगी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वहीं पिगी अंडों को लेकर के अपने आइलैंड पर पहुंच जाता है। तब हमें पता चलता है कि लियोनार्ड उस पिगी आइलैंड का राजा होता है। वो सबसे कहता है कि हमें बहुत सारे अंडे मिले हैं इसलिए कल राजशाही पार्टी होगी और सबको वहां पर लजीज आमलेट खाने को मिलेगा। ऐसे सब पिगी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी बर्ड्स पिगी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि लियोनार्ड यहां का राजा है इसलिए लियोनार्ड उन्हें महल में ही मिलेगा लेकिन महल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बीच में पिगी शहर की ऊंची दीवार होती है। तभी रेड को एक आइडिया आता है। वो ग्लेल को धरती में गाड़ लेते हैं और एक एक करके पिगी शहर में जाने लगते हैं और शहर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद में रेड ग्लेल से महल में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। लियोनार्ड वर्ड्स को अपने शहर में देख करके भड़क जाता है। वो अपने एयरफोर्स को वर्ड्स से लड़ने के लिए भेज देता है। अब वर्ड्स और पिगी के बीच में फाइट होने लगती है और ये सब ईगल बाबा दूरबीन से देख रहा होता है। वर्ड्स को लड़ता देख करके ईगल बाबा में भी जोश आ जाता है और वो उड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टेरेंस गुलेल से आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गुलेल ही टूट जाती है। इसके बाद में लियोनार्ड अपने असिस्टेंट रॉस से कहता है कि हम आमलेट आज ही खाएंगे इसलिए तुम आमलेट को बनाने की तैयारी करो। वहीं रेड, चक और बॉम्ब अंडों को ढूंढ रहे होते हैं।
तभी उन्हें एक रूम दिखाई देता है जिसके बाहर बहुत सारे पिगीज होते हैं और उस दरवाजे पर पिगीज ने लिखा होता है कि अंडे यहाँ पर नहीं है, जिसे रेड समझ जाता है कि अंडे कमरे में ही हैं। इसके बाद में रेड, चक और बॉम पिगीज पर अटैक करके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तभी वो अंडे एक क्रेन की मदद से कहीं जाने लगते हैं। तभी रेड उन अंडों पर लटक जाता है। इसके बाद में वो सब अंडे किचन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी उबल रहा होता है। तभी लियोनेट रेड को देख लेता है। तभी रेड एक पिगी से क्रेन का रिमोट छीन लेता है और वो अंडों को पानी में जाने से रोक लेता है। तभी वहाँ पर ईगल बाबा आ जाते हैं। वो अपने पंजों में सभी अंडों को लेकर के जाने लगते हैं। चक बम और रेड भी अंडों पर लटक जाते हैं, लेकिन तभी लियोनेट रेड का पैर पकड़ लेता है। इसके बाद में बाकी के पिगीज भी ऐसा ही करते हैं और वो लटक करके एक चेन बना लेते हैं। तभी एक अंडा नीचे गिर जाता है। ये देख करके रेड अंडे को बचाने के लिए ईगल बाबा को छोड़ देता है। इसके बाद में ईगल बाबा चक और बम के साथ में बाकी के बर्ड्स की तरफ जाने लगते हैं और पिगी अंडे को ले लेता है, लेकिन रेड अंडे को छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी गलती से पानी का पॉट गिर जाता है। इसके बाद में गर्म पानी से बचने के लिए रेड और लियोनेट झूमर पर लटक जाते हैं। तभी झूमर नीचे गिर जाता है और वो झूमर इतना भारी होता है कि वो महल के सबसे नीचे आ जाता है जहाँ पर रेड बहुत सारे बॉम्ब्स को देखता है। इसके बाद में रेड अंडा उठाने जाने लगता है, लेकिन उससे पहले लियोनेट अंडा ले लेता है और वो एक कैंडल की मदद से अंडे को गर्म करने लगता है जिससे कि आमलेट बन जाए। इससे कि रेड को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है। तभी रेड देखता है कि कुछ ही देर में ऊपर से पॉट गिरने वाला होता है, इसलिए रेड लियोनेट को नीचे खींच लेता है, जिससे कि रेड के हाथों से मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से पटाखों में आग लगने लगती है। तभी पॉट आ रहा होता है, इसलिए रेड अंडे के साथ में पॉट के नीचे आ जाता है। इसके बाद में पटाखों में आग लग जाती है और पटाखे फटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईगल बाबा वर्ड्स के पास में पहुंच गए होते हैं। वो सभी वर्ड्स को अपने अपने अंडे दे देते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स उदास होते हैं क्योंकि उन्हें अपना अंडा नहीं मिला होता है। अब सब देखते हैं कि पिगी सर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये देख करके सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंडे के साथ में अब रेड भी नहीं रहा। ये देख करके सभी उदास हो जाते हैं। वहीं हम रेड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो अंडा टूट गया होता है और उसमें से तीन बच्चे निकले होते हैं। अब रेड को देख करके सब बहुत खुश होते हैं। रेड उन बच्चों को लेकर के उनके पेरेंट्स के पास आ जाता है। अब रेड ईगल बाबा से पूछता है कि आपने हमारी मदद क्यों की। इसके बाद में ईगल बाबा कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने काबिल हो, इसलिए मैंने तुमसे ये सब कहा। अब सभी वर्ड्स वापस से अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। अब सभी मिलकर के रेड के लिए एक घर बना देते हैं जो कि गांव में ही होता है। ये देख करके रेड बहुत खुश होता है। अब सभी अंडों से बच्चे निकल करके आ जाते हैं और वो रेड के लिए गाना गाने लगते हैं। ये देख करके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इसी तरह की मजेदार वीडियोज के लिए आप एंड स्क्रीन पर लगी वीडियोज को देख सकते हैं।